रतलाम रेंज की नवनियुक्त डीआईजी सुश्री रुचिवर्धन मिश्रा आज मंदसौर पहुंची। मंदसौर में उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान मंदसौर एसपी के साथ नीमच के पुलिस अधीक्षक मनोज राय भी मौजूद थे। सुनिए मंदसौर में मीडिया से बात करते हुए डीआईजी सुश्री रुचिवर्धन मिश्रा ने क्या कहा। जनता से जो लोग मान नहीं रहे हैं अभी भी लॉकडाउन का पालन, बिल्कुल देखिए इस बीमारी से बचाव का एक ही उपाय जो अभी तक सामने आया है वो ये आया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोई भी अभी प्रूवन कोई मेडिसिन नहीं है और ना ही ये पता चलता है कि ये किससे फैलता है। यहाँ तक कि जो संक्रमित लोग हैं हो सकता है उनमें खुद में सिम्टम ना हो लेकिन वो संक्रमण को फैला सकते हैं दूसरे लोगों में। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हम जिससे मिल रहे हैं उसको तो सर्दी खांसी नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी जिसको सर्दी खांसी नहीं हो ऐसा व्यक्ति भी दूसरे लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो सिर्फ एकमात्र उपाय बचाव का यही है कि हम अपने घरों में रहें, और इवन लॉकडाउन के में जो एक अवधि जो ओपन रहती है जिसमें आप जाकर के ज़रूरी सामान आप खरीदारी कर सकते हो, तो उसमें आवश्यक नहीं है कि हमको निकलना ही निकलना है, क्योंकि एक्सपोजर अगर हमारा कहीं भी हो रहा है तो हम ये पुलिस या प्रशासन के लिए हम कोई सहयोग तो हम बाद में करेंगे। हम बेसिकली हम अपने स्वास्थ्य के लिए सहयोग कर रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए सहयोग कर रहे हैं अगर हम घर में रह रहे हैं। तो मेरा तो अनुरोध ये है कि इवन लॉकडाउन जब हमारा ओपन है, जिस समय हम खरीदारी के लिए हमको विंडो मिलती है, उस समय भी हम बाहर ना निकलें। इसी प्रकार से मीडिया के भी हमारे मित्रों से अपील है कि वो बड़ी संख्या में किसी भी कवरेज के लिए वो भी ना जाएं। एक वीडियो अगर या जो भी न्यूज़ है वो आपस में सर्कुलेट की जा सकती, तो इस तमाम तरह के तरीकों से घर के किसी एक सदस्य को ही बाहर हम भेज सकते हैं। वो भी जब बाहर से आए तो पूरी तरह से अपने आप को जो सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके कपड़े वो अलग से धुलने डाले नहाए और उसके बाद फिर फैमिली में इंटरेक्ट करें। यथासंभव हम 6-7 दिन का काम एक दिन में ही पूरा करके आ जाएं। तो इस प्रकार से हम अपना एक्सपोजर मिनिमम कर सकते हैं, और वही यदि हमने आगामी 10-15 दिन में इसको अच्छे से कर लिया तो हम इस महामारी को अपने एरिया में तो बिल्कुल ही हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं। और सभी के लिए हमको ये मैसेज देना, पूरे देश के लिए हमको मैसेज देना है। एमपीओ राजस्थान।